नंबर एक त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान है उनको सबको सेक्टिटा के पद में व्यक्त करना है, यानी कि सबको सेक्टिटा के रूप में लिखना है। तो देखो इधर ध्यान देना एक बार, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज का चित्र बनाना है, समकोण त्रिभुज का चित्र बनाना है, ठीक है, और नाम दे देना एबीसी, ए बी सी, और इधर दे देना आप थीटा, ठीक है, अपने मन से। अब ध्यान दो देखो, और यहां पर हो जाएगा ये 90 डिग्री। अब आपको किस में व्यक्त करना है वो थीटा पहले लो, जैसे कि सेक में व्यक्त करना है सबको, ठीक है, तो इधर लिखेंगे सेक थीटा, क्या लिखेंगे सेक थीटा, और सेक थीटा का जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या होता है, देखो इधर ऐसे लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का, अब देखो कर्ण बटा आधार, जो सेक थीटा का सूत्र रहेगा वो ये रहेगा कर्ण बटा आधार, तो इधर लिख लेंगे कर्ण बटा आधार, यानी कि इस थीटा के अनुसार आपको क्या मिल गया, इसके बटे में लिख लो देखो एक। अब इनकी तुलना करो, जो कर्ण है वो कितना है सेक थीटा, तो ये तो मान मिल गया आपको, ये कितना है सेक थीटा है ये, ठीक है, और जो आधार है वो एक है, तो आधार ही है एक, और आपको क्या ज्ञात करना, लंब ज्ञात करना, तो लंब ज्ञात करना तो कौन से फॉर्मूले से करोगे, बोधायन या पाइथागोरस प्रमेय लिखोगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको पहले तो यहाँ पर ध्यान रखना है क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र लंब ज्ञात, कर्ण दे रखा है आधार दे रखा, आपको ज्ञात करना है लंब, तो लंब ज्ञात करने का जो सूत्र रहेगा वो रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यही रहेगा। आप ध्यान देखो लंब, इधर लंब क्या है, लंब है जो एपी, एक बार ऐसे लिख लो एपी, रूट कर्ण क्या है एसी का स्क्वायर, अगर ये नहीं लिखो तो ऐसे लिख लेना एसी का स्क्वायर माइनस आधार क्या है बीसी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एबी का वापिस एबी बराबर एसी कितना है, एसी है सेक थीटा, और सेक थीटा का क्या करना है स्क्वायर करना है, तो सेक थीटा का सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस बीसी का स्क्वायर, तो बीसी क्या है एक, तो एक का स्क्वायर यानी कि एक ही रहेगा, ठीक है, तो एबी बराबर क्या मिल जाएगा आपको रूट में मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। अब आपको कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात बदलना है वो आप सभी को बदलना है, तो सबका लिख लो, और जो पूछे अगर एक दो तीन जो भी कोई पूछते हैं उनका लिख लो, ज्यादातर पूरे के पूछता है, तो जैसे साइन साइन थीटा कॉस टेन कॉट सेको, तो वापिस सेक ही रहेगा और कोसेक थीटा। अब इधर ध्यान देना, लाल बटा कक्का से, जैसे साइन साइन का सूत्र है वो क्या है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है ये रहा लंब सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बटा कर्ण, कर्ण कितना है सेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा, कॉस थीटा का जो सूत्र रहेगा वो रहेगा आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है ये देखो, इसका ये इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, या फिर आधार आधार एक बटा कर्ण, कर्ण कितना है सेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, बट्टे में टेन थीटा, टेन थीटा का सूत्र है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है लंब हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, और बट्टे में आधार, आधार कितना है एक, बट्टे में एक लिखो या मत लिखो कोई मतलब नहीं, सीधे हटा दो इसको, यह रहेगा इसका मतलब। इसी प्रकार इनका उल्टा कोट हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि एक बट्टा रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस एक, और कॉस का सेक कॉस का उल्टा हो जाएगा केवल सेक थीटा रहेगा इसका, तो और ये तो पहले से ही सेक में ही है, बदलने की जरूरत ही नहीं। और टेन थीटा कोसेक थीटा जो साइन का उल्टा हो जाएगा, यानी कि सेक थीटा बट्टे में हो जाएगा आपके रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, इस प्रकार त्रिकोणमितीय। सवाल नंबर 22, इसमें देखो ध्यान रखना घात कितनी लिख रही है 8, तो ध्यान रखना 8 की घात लिख दी, तो पहले इसको तोड़ के छोटा करो, यानी कि इसको कैसे लिखना, इधर ध्यान, पहले तो लाइन लिखोगे LHS, LHS वाली पूरी लाइन, यानी कि साइन 8
थीटा माइनस कॉस, घात कितनी है 8 थीटा। अब ध्यान देना, सबसे पहले 8 की घात है तो उसको चेंज करो, तो इधर क्या लिखेंगे साइन, अंदर लिख लेना 4 थीटा और बाहर हो जाएगा स्क्वायर मतलब 2, और माइनस कॉस, अंदर 4 और बाहर हो जाएगा आपके 2, वापिस देखो 4 दुनिया 8 घात ही हो जाएगी, ठीक है ना। अब इधर इसको भी वापिस क्या करोगे, देखो एक बार ये सारी का ध्यान रखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो एक बार तो लिखेंगे प्लस में, एक बार लिखेंगे माइनस में, तो एक बार तो लिख देंगे ऐसे ए प्लस बी और एक बार लिख देंगे ए माइनस बी ऐसे, ठीक है। अब ध्यान, तो इस बुरे को आप ए मान लो और इस बुरे को आप बी मान लो, तो ऐसे एक बार तो लिखेंगे हम एक बार इसको प्लस में और एक बार माइनस में, तो ध्यान देना देखो इधर साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, एक बार तो गया प्लस में और एक बार लिखेंगे हम माइनस में, तो माइनस में लिखेंगे जैसे ध्यान देना इधर कॉस साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, ठीक है। हाँ इधर ऐसे लिख लेना बिना कॉस के। अब ध्यान इसमें जिस प्रकार इसमें आपने घात चेंज करी ना, तो इसमें भी आप वापिस चेंज करो, देखो इसको ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वापिस देखो घात 4 हो जाएगी, ठीक है, और प्लस का प्लस और कॉस का भी इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसका भी ऐसे ही चेंज करो आप साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दो यहां पर लगानी आपको प्लस वाली सार्वभौमिका, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की सार्वभौमिका होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये रहती है। तो इधर ए स्क्वायर ए कौन है साइन स्क्वायर, तो यहां पर हम इसकी सार्वभौमिका हम देखो लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया इसकी जगह, ठीक है ना, का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू का टू और ए और बी की जगह ए और बी का मान, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये हो गया इसका आंसर। और उसमें ध्यान दो वापिस इसमें सार्वभौमिका लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार तो हम लिख लेंगे ऐसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बार लिख लेंगे माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ अब ध्यान दो देखो इसका आंसर हो जाएगा एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सार्वभौमिका लग जाएगी ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, तो इसकी जगह हो जाएगा एक और एक का स्क्वायर भी करेंगे तो क्या आएगा एक आएगा एक माइनस, इसका आंसर इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, तो दो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इधर इसका हो जाएगा एक वापिस इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा एक एक, और इधर गुणे में एक का जब इनसे गुणा करेंगे तो वापस क्या आएगा ये आएगा, इसलिए एक भले लिखो मैं आप इधर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये इस प्रकार होगा, ये लेके आना था, इसलिए LHS बराबर RHS। 18वें सवाल पे सबसे पहले LHS वाली लाइन, ठीक है, ये वाली साइन थीटा कॉस तक में एक प्लस टेन थीटा और कॉस थीटा एक प्लस कॉट थीटा, ठीक है, और लेके आना है कोसेक प्लस सेक, तो सबसे पहले साइन और कॉस आता तो हम चेंज नहीं करते हैं, तो यहां पर साइन थीटा तो साइन थीटा को तो साइन थीटा लिखेंगे, एक का एक प्लस टेन का क्या लिख देंगे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा प्लस
इधर cos थीटा का cos थीटा रहेगा और एक प्लस cot थीटा का क्या लिख देंगे cos थीटा बटा sin थीटा। ये tan और cot आते ध्यान करना, स्पेशल में जज कर देना। अब देखो इस sin थीटा का वापस sin थीटा लिख दो और इनका लो LCM, तो LCM क्या आएगा cos थीटा आएगा, इनके इसके बट्टे में एक cos थीटा में एक का बार cos थीटा बार और cos थीटा का एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है। प्लस cos थीटा का वापस cos थीटा लिखेंगे और इनका लेंगे LCM, तो LCM क्या आएगा sin थीटा ये आएगा और फिर ऊपर आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा। अब ध्यान दो इस पद में और इस पद में दोनों में लो आप कॉमन, तो कॉमन आ रहा है, देखो इसमें भी आ रहा है cos थीटा प्लस sin थीटा और उसमें भी cos थीटा प्लस sin थीटा, दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, तो इधर लिख लेंगे हम cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा इधर कॉमन आ गया, ठीक है। अब देखो इधर से क्या बच रहा है इधर से sin थीटा बट्टा नहीं बट्टे में cos थीटा भी तो बच रहा है, बट्टे में cos थीटा प्लस इधर से क्या बच रहा है cos थीटा बट्टा sin थीटा, ठीक है। अब ध्यान दो देखो cos थीटा बट्टा sin प्लस इसका तो चेंज होगा नहीं, cos थीटा प्लस sin थीटा और इनको करो चेंज, इनको चेंज करेंगे तो क्या रहेगा एलसीएम लेंगे, टेन में मत करो एलसीएम, कॉस और साइन का एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा इनटू साइन थीटा और ऊपर आ जाएगा आपके वजर गुणा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका रह जाएगा आपके कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और उसका हो जाएगा आपके साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक और बटे में क्या हो जाएगा कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। अब देखो इधर इसके बटे में ये कट तो नहीं रहा ना, बटे में नहीं, इसका तो हम चेंज कर सकते कॉस थीटा लेके क्या आना कॉस सेक थीटा और सेक थीटा, कॉस cos थीटा का cos थीटा प्लस sin थीटा का sin थीटा और इनका होगा गुणा, तो गुणा होगा तो बट्टे में जाएगा ये भाई, इसका गुणा इससे होगा तो एक और बट्टे में जाएगा आपके cos थीटा इनटू sin थीटा, ठीक है। अब वापस इनको अलग अलग करेंगे तो अलग अलग करेंगे देखो क्या आएगा cos बट्टा cos, एक तो आएगा cos बट्टा cos थीटा बट्टा cos इनटू sin cos थीटा इनटू sin थीटा और प्लस है तो प्लस फिर आएगा sin थीटा और बट्टे में आ जाएगा वापस यही जिस प्रकार जोड़ होती है ना, तो वापस इनकी जोड़ कैसे बनेगी इनसे बनेगी, तो ये वापस लिखना cos थीटा इनटू sin थीटा। अब एक बार इधर ध्यान दे लेना ये cos से cos कैंसिल तो आंसर क्या आएगा 1 बटा sin थीटा प्लस है तो प्लस और इसमें साइन से साइन कैंसिल तो क्या आएगा एक बटा कॉस थीटा और एक बटा साइन का मतलब कोसेक थीटा प्लस एक बटा कॉस का मतलब सेक थीटा, ये आपको लेके आना था बराबर आरएचएस और मतलब आगे